बेहद शानदार रही भारतीय विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल किचलू नगर में समर कैंप की क्लोजिंग सेरेमनी। आइए देखते हैं विकास मामरी के साथ सुखमिंदर सिंह की खास रिपोर्ट। हमारे स्कूल में हर साल समर वर्कशॉप का कार्यक्रम किया जाता है। मेरा नाम महक शर्मा है और मैं भारतीय विद्या मंदिर स्कूल में पढ़ती थी। यहाँ पे आज एक फेट थी जो बहुत अच्छी थी, बहुत सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और बहुत अच्छे अच्छे परफॉर्मेंसेस दी, और हर स्कूल में ऐसी एक फेट होनी चाहिए। और मैंने यहाँ पे स्टॉल में पार्टिसिपेट किया था और उसमें मॉडल्स बनाते हैं और पेरेंट्स को एक्सप्लेन करते हैं कि वो मॉडल क्या है। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, स्कूल में हमेशा ही अच्छा लगता है। जब हम कॉलेज में चले जाएंगे तो हम इन्हीं सब दिनों को मिस करेंगे, और हमारा स्कूल बहुत अच्छे अच्छे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करता है और ये इवेंट भी उन्हीं में से एक है। जैसे पास आउट कर चुके हो, आगे भविष्य में आगे आप क्या करना चाहोगे? भविष्य में मैं ऐसे ही कुछ करना चाहूंगी जिससे मेरे स्कूल का नाम हो, और हमेशा मैं कभी भी इस जगह को नहीं भूल सकती और ऐसे ही कुछ करूंगी ताकि मेरा स्कूल ऐसे ही बढ़ता रहे और नाम आता रहे उसका। आपको क्या लगता है ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए? जरूर होने चाहिए, क्योंकि इससे बच्चे की ओवरऑल ग्रोथ होती है, ओवरऑल डेवलपमेंट होती है, तो जरूर ऐसे इवेंट्स हर कॉलेज स्कूल में होने चाहिए ताकि सब बच्चे ग्रूम कर सके और ओवरऑल ग्रो कर सके। कि वो अपने बच्चों को अलाउ करे कि वो इसमें पार्टिसिपेट करे और कि वो भी यहाँ पे आके अटेंड करे ताकि वो देख सके कि स्कूल कितना अच्छा ऑर्गेनाइज कर रहा है और बच्चे पार्टिसिपेट कर सकें और ओवरऑल ग्रूम कर सके ताकि हर स्फीयर में लाइफ के वो अचीव कर सके कुछ ना कुछ। हमारा ये फंक्शन जो है समर वर्कशॉप, हम करीब 15-20 साल से लगा रहे हैं हर साल। जैसे ही गर्मियों की छुट्टियाँ स्टार्ट होती हैं उसके पहले 10 दिन हम ये बच्चों को क्रिएटिव एक्टिविटीज़, डांस और मॉडल मेकिंग, कुकिंग, एरोबिक, योगा वगैरह की क्लासेस वगैरह चलाते हैं, तो बच्चे
दस दिन में जो कुछ भी सीखते हैं उसको हम जिस दिन समापन होता है उस दिन उनके पेरेंट्स को बुला के ये सब चीज़ें दिखाते हैं और बच्चों का प्रोत्साहन बढ़ता है इससे। इन वर्कशॉप के दौरान जो हमारे 9th से 12th तक के बच्चे हैं उनकी क्लासें भी लगाते हैं ताकि उनको छुट्टियों में ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा का लाभ मिल सके। कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया? इस बार 1042 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। क्लास पहली कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा तक के बच्चों ने पार्टिसिपेशन किया इसमें और अलग अलग फील्ड में बच्चों ने परफॉर्मेंस सीखी। जिस हर साल इसी तरह? हाँ, हर साल इस तरह ही हमारा प्रोग्राम होता है। हर साल बच्चों के पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम बच्चों के पेरेंट्स को ये मैसेज देना चाहेंगे कि जैसे एक्टिविटीज़ बच्चे इन वर्कशॉप में करते हैं, सीखते हैं, वो जाके राष्ट्र निर्माण के लिए भी इसमें, जैसे हमने वायु जल इनको कैसे प्रदूषण से बचाना है, ऐसी चीज़ें बच्चों को सिखाते हैं तो एक समाज में अच्छा सिग्नल जाता है। बिल्कुल होने चाहिए, ऐसे प्रोग्राम समय समय पर होने चाहिए। हमारी संस्था लगाती भी है, सब स्कूलों में हमारे ऐसी कार्यक्रम चलती हैं। जितनी भी ब्रांचें हैं लुधियाना, हमारी 4 ब्रांचेज हैं, हमारी 4 ब्रांचेज हैं, सब में लगना है। कल उधम सिंह नगर ब्रांच का भी समापन है, आज चंडीगढ़ रोड ब्रांच का समापन आज साथ साथ चल रहा है उधर। नहीं, वो हमारे जो इनाम का हमारा एनुअल प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन सेपरेटली होता है, वो अभी हो गया था कुछ दिन पहले, उसमें भी बच्चों ने करीब 110 बच्चों ने को प्राइज मिला है। उनके पेरेंट्स भी आए थे शिक्षा के क्षेत्र में, एकेडमिक रिजल्ट में हमारे बच्चे पंजाब में भी स्थान प्राप्त किया, उन सबको हमने प्राइज दिया। देखा जाए तो कैसा रिजल्ट रहा है स्कूल? बहुत अच्छा रिजल्ट, अच्छा है, इम्प्रूवमेंट हो रही है, हर साल इम्प्रूवमेंट है। हमारे बच्चे स्टेट में भी उन्होंने पहले 5 और 10 बच्चों में स्थान प्राप्त किया है पंजाब में।